जान से देखिए इस एसी को। ये एसी लगभग लगभग एक महीना पहले लगा था और इसकी लगाने के बाद दोस्तों इसकी गैस लीकेज हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसको गैस को लीकेज को चेक करने के लिए दोस्तों हमने कंप्रेसर से हम इसमें प्रेशर भर रहे हैं। इसमें जो प्रेशर भरेंगे दोस्तों वो लगभग लगभग 300 पाउंड प्रेशर इसमें हम भरने वाले हैं, तब जाके लीकेज का पता चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं सारी कंडीशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा देने वाला हूँ। दोस्तों इस कंडीशन को सॉर्ट आउट करके मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा देने वाला हूँ। दोस्तों ये सामने एसी लगा हुआ है और मैं पूरी की पूरी कंडीशन इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा देने वाला हूँ, पूरा का कहाँ पर लीकेज हुई है कहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहें वीडियो में। दोस्तों ये इस एसी का इंडोर है दोस्तों, जो कि हमने अभी खोला हुआ है, हल्का फुल्का निकाला हुआ है। इसके हम फ्लेयर नट वगैरह चेक करेंगे कि कहाँ पर से लीकेज, यहाँ पर से लीकेज, कहीं यहाँ से लीकेज तो नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस सारी की सारी कंडीशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, जिस एसी के बारे में मैं बात आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये एसी वो है गोदरेज का। और दोस्तों इसमें हमने लगभग लगभग 300 पाउंड प्रेशर, देखिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देने वाला, ये देखें 300 पाउंड प्रेशर इसमें हो चुका है। और दोस्तों इसमें हम अब हम लीकेज चेक करने जाएंगे कि कहाँ पर लीकेज है कहाँ पर नहीं। उसके पहले हम वही वाल्व बंद कर देंगे और हम अपना कंप्रेसर को बंद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए इसमें हम लीकेज चेक करने जा रहे हैं, जैसे कि अब मैंने अभी वीडियो के माध्यम से आपको बताया ही था। ये देखिए कितनी खतरनाक लीकेज यहाँ पर इस समय आ रही है इसके अंदर। तो दोस्तों इसको खोल के दोबारा से नेट को चेक करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम है कहाँ पर नहीं है। मैं सारी की सारी कंडीशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देने वाला हूँ दोस्तों, दिखा देने वाला हूँ। और दोस्तों एक बार आउटडोर के नटों पर पीछे करने से थोड़ा सा आउटडोर के नटों पर भी चेक कर लेंगे कि यहाँ पर कहीं से लीकेज तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह से सर्फ के पानी या शैम्पू के पानी से इसको चेक करेंगे। बिल्कुल बेटा हल्की हल्की लगाएगा तब पता चलेगी माइनस लीकेज, पता तब चलती है जब हल्का हल्का वो होता है, नहीं ना। चलिए ये तो ठीक है बिल्कुल। अब हम अंदर का आपको पूरा का पूरे नटों को खोल के उसको फिटमेंट करके आपको दिखाने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों उसको खोलने से पहले हम जितना भी इसमें इस एसी के अंदर प्रेशर भरा था हमने, उसको हम बाहर निकाल देंगे पूरा, ताकि अंदर से कोई ऑयल वगैरह दीवारों पर ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एसी का प्रेशर जो हमने भरा था उसको निकालने के बाद दोस्तों अब हम इसका जो जहाँ पर लीकेज थी उस नट को हम खोल के देखेंगे कि कहीं पर फ्लेयर नट जो होता है फ्लेयर कहीं फटा हुआ तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, पूरा आइडेंटिफाई करके पूरा तब जाके इसमें दोबारा से प्रेशर भर के एक बार और फिर इसको चेक करके तब इसमें गैस वैक्यूम करके और सिस्टम को वैक्यूम करने के बाद दोस्तों इसमें हम गैस फिल करके आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों फिर दिखा दीजिए। दोस्तों खुल चुका है दोस्तों, दिखा पास से दिखा ले और इसकी थ्रेड चेक कर लेंगे कहीं नट तो नहीं फर्स्ट ऑफ फटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से जैसे कि मैं अभी वीडियो के माध्यम से दिखाई पा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल नट बिल्कुल ठीक है। अब हम फ्लेयर चेक करेंगे अपनी कि ये फ्लेयर कहीं से फटी हुई तो नहीं है, अंदर से जो फ्लेयर बना होता है जिसके द्वारा, दिखाओ। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल ओके है, बट इससे हमारी गैस निकली तो निकली क्यों, हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये फ्लेयर नट लूज रहा हो तब जाके इसकी इस एसी की गैस निकली होगी दोस्तों। तो हम इसको वापस से टाइट करेंगे अच्छे से, फिर इसको दोबारा से प्रेशर भर के दोस्तों एक बार फिर से चेक करेंगे कि ये लीकेज तो नहीं हो रहा है कहीं। ये फिलहाल मैं टाइट कर दे रहा हूँ दोस्तों, यहीं से हो गया। तो दोस्तों इसको प्रॉपर तरीके से फुल टाइट करेंगे अच्छे से बढ़िया करके, ये देखिए मस्त करके टाइट हो चुका है, ये इसका भाप भी लीक नहीं हो सकता। अब मैं इसके अंदर प्रेशर भर के एक बार से फिर से चेक करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये एसी हमने अंदर से बिल्कुल टाइट वगैरह करके फिटमेंट करके इसको छोड़ दिया है दोस्तों। मैं इसके अंदर प्रेशर दोबारा से होल्ड करके आपको दिखाने वाला हूँ, वही 300 पाउंड प्रेशर पर हम इसको दोबारा से रिपीट चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, कहीं ये दोबारा से लीक तो नहीं रह गया है। ठीक है दोस्तों, बने रहे वीडियो में, मैं पूरा का पूरा आपको ब्यौरा दिखाने वाला हूँ। जिस जगह में हम इस होटल के अंदर आए दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, बेहतरीन वाला एकदम। और दोस्तों अंदर की तरफ से मैं दिखाऊंगा तो और भी अच्छा व्यू आएगा। ठीक है दोस्तों, और छत से तो मस्त वाला व्यू आएगा जबरदस्त। और ये देखिए बारिश का मौसम भी बन चुका है।
तो दोस्तों ये लीकेज वगैरह तो हम चेक कर चुके हैं, बाकी फिटमेंट भी कर चुके हैं दोस्तों इसको। उसके बाद हम वैक्यूम पर लगा के इसमें गैस क्लीन करके आपको दिखाने वाले इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। दोस्तों इसको 10 से 15 मिनट वैक्यूम करते हुए हो चुके हैं और देखिए ये लगभग पूरा प्रॉपर तरीके से वैक्यूम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसमें गैस डालेंगे और फिर से एक बार लीकेज जरूर चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये लगभग पूरा प्रॉपर तरीके से वैक्यूम हो चुका है और मान्य में सुई आ चुकी है हमारी गैस की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम वैक्यूम पंप से चार्जिंग लाइन निकाल के और गैस फिल करके आपको दिखाने वाले इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। बहुत ज़्यादा नहीं लिटा ले, उल्टी लगा रखी चार्जिंग लाइन तभी तो निकाल रहा हूँ। अंदर बैठा है कमरे में, है ना साथ में, और उसको बागला में देखा है क्यों? अरे ये सो रहे हैं यार, मेरा रूम मन कर रहा है। अच्छा चलो दोस्तों, हम मशीन बंद होने पर लिक्विड डालेंगे केवल, ठीक है, पहले, और ऑन होने पर हम उसमें लिक्विड नहीं डालेंगे, केवल प्रेशर ही डालना होता है। तो लगभग लिक्विड से हम इसको फुल कर लेंगे जितनी हमने गैस चाहिए होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो उसका स्टैंड प्रेशर रखेंगे हम, जो लिक्विड का प्रेशर जो रखना है हमें लगभग 250 पाउंड प्रेशर रखना है इसके अंदर। देखिए दोस्तों लगभग 250 पाउंड प्रेशर हमारा इसके इस मशीन में हो चुका है। इसके बाद हम मशीन को ऑन करेंगे और उसके बाद फील करके देखेंगे कि कितना रनिंग में कितना बैग आ रहा है। ठीक है दोस्तों, लगभग हमने 130 से 135 बैग इसके अंदर रखना है रनिंग में। तो दोस्तों एसी ऑन हो चुका है हमारा और हम इसमें गैस का प्रेशर देखेंगे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कल लगभग 110 PSI प्रेशर आ चुका है रनिंग में। इसको लगभग 130 हमने करना है तब जाके इसमें गैस पूरी होगी। ये देखिए 130 रनिंग बैक प्रेशर हमारा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों प्रॉपर तरीके से इसमें गैस का जो प्रेशर है वो लगभग पूरा हो चुका है। अब हम इस मशीन को ऑफ करके अंदर चेक करेंगे जहाँ पर ये लीकेज था। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, हम चार्जिंग लाइन को निकाल देंगे, ये देखिए कितने प्रेशर इसमें भरा हुआ था ढंग से। और डेडनेट तो जरूर लगा दें इसके ऊपर मोबाइल पर। अभी मैं आपको लीकेज भी चीज चेक करके बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से दोस्तों। अच्छे से टाइट हो जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, नहीं तो लीकेज की संभावना बनी रहती है। इसको ऑफ करके ना एक बार रिपीट चेक कर लेना वहाँ पर अंदर करके आगे देख ली भैया। अरे बंद करके, अभी तो रनिंग में है। तो दोस्तों 12 से तो हमने पूरा का पूरा प्रेशर पूरा का पूरा गैस चार्जिंग करके दोस्तों उसको पूरा क्लोज कर दिया है। उसके बाद हम इसी को बंद करके दोबारा से चेक करेंगे कि हमारा जहाँ से लीकेज नट थे वो दोबारा से लीकेज तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम दोबारा से इसी को बंद कर लेंगे। ये देखिए इसी बंद हो चुका है दोस्तों। अब हम चेक करेंगे कि हम कि कहीं पर लीकेज तो नहीं है और पूरा का प्रेशर इसके अंदर होल्ड होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो जितने भी गैस भरी हुई है उसमें कम से कम हमारा 250-300 पाउंड प्रेशर रहेगा मशीन के अंदर। ठीक है दोस्तों, आइए चेक करके बताते हैं आपको। ये देखिए प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही है, बिल्कुल लीकेज ठीक हो चुकी है दोस्तों। जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ओके हो चुकी है दोस्तों। इस तरह से हम लीकेज को फाइंड करेंगे, पता लगाएंगे कि कहां पर लीकेज है कहां पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से ही हम काम करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों
गैस चार्जिंग वगैरह करके हमने और लीकेज वगैरह चेक करके दोबारा से इसको पूरा का पूरा फिट कर दिया और दोस्तों बिल्कुल ठंडा करने लग रहा है दोस्तों। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं हमारा एसी चल रहा है और लगभग इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं चलते हुए। जैसा कि मैं फील करके बता रहा हूँ हमारा एसी अच्छा टेम्परेचर दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से हम काम करेंगे, ठीक है दोस्तों।